तो आज का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दोस्तों, और आज धूप बहुत तेज हो रही है। कपड़े खिला देते हैं, बल्कि कपड़े नहीं सूखे हैं, आज बहुत तेज धूप हो रही है। दो दिन बारिश से ना बहुत ठंडा हो गया सुबह शाम का मौसम, नहीं तो इतनी गर्मी होने लग गई थी। गर्मी का एहसास होने लग गया था, एहसास नहीं होने लग गया था, होने ही लग गई थी गर्मी भाई। और एक एक सुविधा ये हो जाती है गर्मी में ना कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अगर कहीं जाना हो तुरंत धो लो और तुरंत सूख जाते हैं। सर्दियों में तो लटका के रखो 10-10 दिन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। अभी हमारा नाश्ता हो चुका है और आज का जो मैं ये एंट्रो शूट कर रही हूँ वो मैं अपने हस्बैंड से शूट करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना ये मेरे ब्लॉग में नहीं आए। मिस्टर इंडिया हो गए। हाँ, गायब हो जाते हैं चश्मा पहन के। रात को आते हैं, सिर्फ जब मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ तब आते हैं ये घर, मतलब 8-9 बजे ही घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। मैं अमरीश पुरी को ढूंढने जाता हूँ ना, कहाँ है वो। और एक कमेंट आया था जेठ जी के साथ, अभी मैंने ब्लॉग डाला था तो उसमें कमेंट आया था कि ये हमारे गांव के राजपाल यादव है। तो बिल्कुल सही कहा था जेठ जी ने, बहुत मस्त कॉमेडी करते हैं। और उनके साथ मेरा मतलब नेचर भी ऐसा है कि मतलब मुझे लगता नहीं है कि भाई जेठ जी जैसे होता है ना कि एक बड़े से पर्दा करना, ऐसा नहीं है। वैसे हमारे यहाँ होता भी नहीं है ऐसा, सबके साथ हम ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, सास के साथ में, जेठ जी के साथ में, जेठानी जी के साथ में, सबके साथ चलता है। तो नाश्ता हमारा हो चुका है दोस्तों और कैमरा मैन जा रहे हैं अपने काम पे, अक्कू भी उठ चुकी है। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये रेडी हो रहे हैं फिर से अपने मिशन पे जाने के लिए। और इनका लापता हो रखा है आजकल मेरे व्लॉग से। रसिया जा रहा हूँ मैं। हैं? रसिया। हाँ, यूक्रेन, यूक्रेन जान लड़ाई हो रही है, वहाँ चले जाओ ना बचाने के लिए। पड़े। अरे हाँ, और एक कमेंट आया था जो जेठ जी के साथ ऊपर हमने व्लॉग बनाया था ना वहाँ पे जेठ जी का घर, तो एक कमेंट आया था कि मतलब किशन जी के भाई इतने बुढ़े हैं, तो कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे भाई तो मुझसे जवान है अभी। अभी भाई की एंट्री अप्रैल में होगी, तब देखना आप दोस्तों। तो जो मेरे जेठ जी है वो जवान लगते हैं और मेरे पति देव थोड़े बुढ़े लगते हैं, और उम्र में तो बहुत ही फासला है ना, बताएंगे नहीं। पर हम तो काम कर करके तो भाई क्या बैठे रहते हैं वहाँ? हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब भाई बैठे रहते हैं? आराम की नौकरी है। अच्छा, आराम की नौकरी है, रात रात को ड्यूटी देनी पड़ती है उन्हें अपनी, पुलिस वाले की ड्यूटी आपको पता ही है। ओ भाई साहब, यहाँ से आवाज आई अभी, यहाँ से देखा क्या बोल रही थी वो आपको, क्या बोल रहे हम दोबारा बोलने जरा। नहीं बोल रहे, अब हम बाहर जाते हैं, चलो। पापा की इतनी बड़ी चमची है ना, ये चमची है, ये चमची पापा की। बुड्ढे हैं अक्कू के पापा, बहुत बुड्ढे हैं, है ना, और बड़े पापा जवान हैं। बड़े पापा जवान नहीं है, है? मुझे कह रही है आप बुड्ढी हो, मेरे पापा जवान है। पता है ये पाप की साइड क्यों लेती हूँ, क्योंकि इसे मिलता है ना चॉकलेट सा रोज डेली, किसकी चॉकलेट चिप्स वगैरह। 10 बजे उठ रही है, पता? 10 बजे उठ रही है, देखो आपको 12:30 बजे सोती है। और पापा के लिए इतनी वो होती है ना, देखो कैसे कान लगा के सुन रही थी मैं पापा को बुड्ढा बोल रही। तो आपको के पापा बुड्ढे है, बोल नहीं है पापा, पापा तो स्मार्ट है। स्मार्ट है आपके पापा? आप बुड्ढे हो गए ना, हैं? इतना 10 बजे उठ के सो के उठ रही है ना, उसकी आंखें ऐसे सूज गई यार, ज्यादा सोने से। ज्यादा सोने से नहीं सूज रही, किसकी आंखें? ज्यादा सोने से तो सूज रखी है, आंखें कितनी मोटी हो गई यार। बोल रही आपको, आप मोटी हो गई आज आंखें, इतनी देर तक सूखे रस होती है आपको आजकल ना। आपको भी सो मतलब हो जाती है कि पापा दिन भर तो रहते नहीं है, फिर रात को आते हैं, फिर वो अपने पापा के साथ ऐसे खुश हो जाती है। चलो आप तो जा रही हो, अब हम अपना घर का और काम करें, हैं? अक्कू, अक्कू उठ गई है। हेलो अक्कू, हेलो हेलो हेलो। अक्कू डांस करके दिखा जरा, जो आपने आजकल सीखा हुआ है डांस करके दिखाओ, कैसे करते को? आंखों की आंखें निकल रही है अभी तक। तो दोस्तों अभी दिन के 2 बज रहे हैं और घर के सारे काम निपटा दिए हैं, अब जाके मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो खाना बन चुका है और खाने में आज मैंने बनाया है
तो खाने में आज बना है हरा साग, और जो कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमारे सगोड़े में वही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम मतलब दूसरे तीसरे दिन हरा साग खाते हैं, और वैसे सर्दियों में हरा साग खाना भी चाहिए क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो हेल्दी होता है, अच्छा है। तो चलिए लंच करते हैं ना। यहाँ किट्टी का देखो जरा क्या कर रही है, ये घास के अंदर जा रही है किट्टी सोने के लिए, या बिस्तर लग रखा है। चलो खाना खाने के लिए, किट्टी ना कहीं भी घूम रही हो ना भाई, ये तो है कि खाना खाने के लिए एकदम पहुंच जाती है और घास के अंदर सो रही है वहां पे। जी भाग गई यहाँ पे सिम्बा। तो सिम्बा को और भैंस को पानी वगैरह पिंडू सब खिला दिया है, और घास का ये बुरा हाल कर रहे हैं ये यहाँ पे। तो इन लोगों को तो खिला दिया, अब हम खाते हैं। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम छत में बैठ गए धूप सेकने के लिए, और अक्कू ना इस ये सॉल से पीछे पड़ी हुई है गुड्डी के कि मुझे साड़ी पहना उसको परेशान कर रही है। और अभी तक ना मम्मी जी आई नहीं है घास लेके। अक्कू दादी का है, दादी घास अभी तक नहीं आने दादी। और पता टाइम कितना हो रहा है, 3:15 हो रहे हैं और अभी तक मम्मी जी आई नहीं है। तो आज देखते हैं मम्मी कितने बजे तक आती है। 3:15 हो गए, अभी तक नहीं आए। रात को आएंगी दादी। अच्छा आपको ने भविष्यवाणी कर दी रात को आएंगी की दादी। तो हम लोगों ने तो खाना खा लिया, अब हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। तो ये देखिए अभी अभी मम्मी आ रही है 4 बजे घास लेके। तो आज देखेंगे क्या खजाना लेके आई है मम्मी जी। ये दादी आ गई, अक्कू की दादी आ गई। ये अक्कू भी खुश हो रही है। तो मम्मी ना घास लेके आ गई है 4 बजे, और देखो पोटली में कुछ लेके आई है। ये क्या आई हूँ, क्या दिखाओ, दिमाग खोली तो दिखाओ क्या हूँ। तो कुछ खजाना लेके आई है मम्मी का 4 बजे घास से ले आने का रीजन यही है। नहीं यार बेकार, सॉरी दिन नोक लग गया यार कुछ ना। एक घंटा वो तो डूंगा पटक बैठ गए, अब तब कतरी कतरी के तो गैठ था। तो ये देखिए दोस्तों मम्मी लेके आई है, ये है दोस्तों तैड़ू जो मम्मी लेके आई है, और इसको शिवरात्रि का जो व्रत आ रहा है कल तो उसमें खाते हैं इसे। मम्मी ना इसको लेने के चक्कर में ना मम्मी इतनी देर में आ रही है घास लेके, और ये है इसे तो हमारे यहाँ तो उसे बोलते हैं तैड़ू है ना, और पता नहीं बाहर हिंदी भाषा में ऐसे पता नहीं क्या तड़ बोलते हैं, शायद तड़ है ना, पता नहीं। और ये ना ये शिवरात्रि का जो व्रत आ रहा ना उसमें ये बाहर मतलब इसको खाना इसी को खाते हैं मतलब व्रत के दिन, तो ये बाहर ना बहुत महंगा मिलता है। एक बार हमने भी लिया था ऋषिकेश में, तो बहुत महंगा बिकता है इस व्रत वाले दिन पे, और यहाँ ना ये फ्री में मिलता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तो मम्मी ही बताएंगी। तो अभी बन गई है हमारी शाम की चाय, और मम्मी जी ने ना खाना भी खा लिया है, तो अब चाय देते हैं मुझे। नहीं देना, यहीं पे दादी। अरे ऊपर हवा चल रही है छत में, आपको कह रही छत में चलो, छत में हवा चल रही है। मम्मी जी ने खाना खा लिया है और अब चाय पियेंगे। गुड्डी संडी दीदा ये मेरे। तो ये बन गई हमारी चाय शाम की, हम लोगों ने चाय पी ली है, और अब दादी और पोती दोनों यहाँ मस्ती कर रहे हैं अंदर कमरे में। आपको गाना सुना रही दादी को, चांद वाला उखड़ा लेके चलो ना बाजार में, पागल प्रेमी हो गया है तेरे मेरे प्यार में। ये अपनी दादी को गाना सुना रही है ना। मैं बाड़ी लाल पाड़ के तो भस्म वाली दौड़ी काटू के सदादा ओ सांबे रे ओ तेरे सिंगिया सिंगिया रे ओ तेरे लंगिया लंगिया। जब ना शाम को ना पाया कुक के हाल तब कुक के से भी ये गाना पूछ मैं काटू के सदादा ओ सांबरे ओ तेरे संगिया संगिया रे। ये देखो बस अपनी दादी के साथ मस्त हो रही है आपको, और गाने सुना रही दादी को। तो अब है शाम का टाइम और हवा चलने लग गई है अब, तो इस टाइम पे ना बहुत हवा चलती है और फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है, और अभी तो आसमान बिल्कुल साफ ही है। तो मैं आई हूँ छत में, कपड़े धो रखे थे तो इनको लेने, और हवा से तो सारे कुछ कपड़े तो इधर उधर भी गिर गए हैं,
नीचे सिम्बा का डांस चल रहा है। कौन सा डांस कर रहा सिम्बा है? अभी चुप हो गया ना, अभी मैंने कैमरा लगा दिया चुप हो गया, नहीं तो ऐसा नाच रहा है ना सिम्बा। सिम्बा सिम्बा देख सिम्बा, क्या डांस कर रहा सिम्बा। तो सिम्बा ऐसे डांस कर रहा है यहाँ पे। क्या को मेरी बलून फुला दो, दिखाओ। याको को बलून चाहिए। तो याको के लिए मैंने बलून फुला लिया है को। अब आपको खुश हो जाएगी, ये देखो। ये अक्को बड़ी खुश हो जाती है, बलून अक्को को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है अक्को को बलून। हाय अक्को। और इस वाले पन्नी में काफी सारे हैं जो मम्मी लेके आई थी अक्को के लिए, ये इतने सारे बलून। अभी और भी है ना इसमें, नानी लेके आई थी बेटा इनको। आपको बस बलून के साथ यहाँ पे खेल रही है। और आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है पहाड़ी व्लॉगर रितिका 837। और मिलते हैं दोस्तों आपको बहुत जल्दी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।